नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स में आज सिर फिरे का वो शूटआउट होगा जिसने सबको दहला दिया। जिस सनकी ने छात्रा की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे के निशाने पर थी मरने वाली लड़की की सहेली। गोली की इस गुत्थी के साथ ही होगी ठगी की वो कहानियां भी जो कह रही हैं जरा होशियार, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने वाली गैंग का खुलासा करेंगे। सम्मोहन वाली गैंग का राज भी फाश होगा। चमक से कैसे लग जाता है चूना, ये चाल बताएंगे। वो गैंग भी होगी जो खुद मूर्तियां खरीद कर जमीन में गाड़ती है और कहते हैं कि जमीन में खजाना है। जुर्म की कई और दास्तां आज के क्रिमिनल्स। तो सबसे पहले बात शूटआउट की, और ये वो शूटआउट है जो थर्रा कर रखते। दो सहेलियां स्कूटी से ट्यूशन से घर जा रही थी और इस बात से बेखबर कि मौत उनका पीछा कर रही है। रास्ते में हमलावर लड़का जो अपने साथियों के साथ आया था उसने गोली चलाई। गोली स्कूटी चलाने वाली लड़की को मारी गई जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन जिस लड़की को हत्यारा मारने आया था वो कोई और थी, निशाने पर थी मृतक की सहेली। रिपोर्ट देखी। सिर फिरे की हैवानियत थर्रा देगी। शूटआउट जिसने दहला दिया। छात्रा की गोली मारकर हत्या। ट्रिगर पर किसी और का था नाम। गोली ने किया सहेलियों को जुदा। दो गोली और वो हो गई खामोश। इस अस्पताल में सब सदमे में है। 19 साल की अक्षया यादव की लाश कई सवाल खड़े कर रही है। अक्षया यादव अपनी सहेली सोनाक्षी शर्मा के साथ स्कूटी से कोचिंग से घर लौट रही थी। दोनों सहेलियां इस बात से बेखबर थीं कि मौत उनका पीछा कर रही है। स्कूटी अक्षया चला रही थी, पीछे सोनाक्षी बैठी थी। जैसे ही दोनों सिद्धि कॉलोनी के पास पहुंचे गोली चलने की आवाज आई। ये गोली अक्षया को लगी, एक नहीं दो गोली। अक्षया को एक गोली सीधे सीने में लगी थी। गोली लगने से दोनों सहेलियां गाड़ी से गिर गईं। अक्षया को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया। पढ़ के आ रही थी, ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। ट्यूशन पढ़ के जब वो लौट रही थी शाम के समय, वो थी उसकी सहेली थी। तो सिंधी कॉलोनी के पास में कुछ बदमाश आए पीछे से और उन्होंने उसके ऊपर गोली चला दी, क्योंकि गोली उसके सीने सीने में लग गई और उसकी मृत्यु। ग्वालियर में मर्डर की ये वारदात दिल दहला देने वाली है। आखिर अक्षया को गोली किसने मारी? कौन था जो इन लड़कियों का पीछा कर रहा था? मृतका अक्षया पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव की रिश्तेदार थी। बेटी पर गोली चलने की खबर सुनकर घबराया परिवार अस्पताल आया लेकिन बेटी की लाश मिली। सहेली का रो रोकर बुरा हाल था। हमलावर अक्षया को मारने नहीं आए थे, तो सवाल है आखिर गोली की ये गुत्थी क्या है? दरअसल हमलावरों के निशाने पर अक्षया की दोस्त सोनाक्षी थी, लेकिन गोली सोनाक्षी की सहेली अक्षया को लगी और वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। दरअसल उसके लिए नहीं आए थे, तो उसकी सहेली थी, उसके परिवार के साथ उनकी पुरानी रंजिश थी। तो वो लोग जैसा अभी सुनने में आया उसको मारने के लिए आए थे, बट ये साथ में थी क्योंकि ये स्कूटी चला रही थी। तो पहला मार इसके ऊपर हो गया, उन्होंने शायद ऐसा सुनने में आया दो गोलियाँ चलाई हैं और दोनों गोलियाँ इसी बच्चे को लगी। मृतका के घर वालों की माने तो पुरानी रंजिश इसके पीछे वजह है। एक और बात सामने आ रही है कि आरोपी सुमित रावत, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो अक्षया की सहेली सोनाक्षी के पीछे पड़ा था। उसे करीब एक साल से परेशान कर रहा था, जिसके निशाने पर सोनाक्षी थी, लेकिन गोली सोनाक्षी की सहेली अक्षया को लगी। दो दिन बाद अक्षया का जन्मदिन था। बर्थडे की शॉपिंग चल रही थी लेकिन एक सिरफिरे की सनक ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। पीछे बैठे थे वो लड़की को ये टारगेट कर रहा था, वो गलती से इनको गोली लगा। वो भी एक वर्षन है, सभी चीजें इन्वेस्टिगेशन में ही क्लियर हो जाएगा। गोली पर किसी और का नाम था
और मौत की मुहर किसी और के नाम पर लगी, जिस शूटआउट से सभी हैरत में हैं। अभी जो हमने सस्पेक्ट मान रहे हैं उनका काफी अपराध है। वो उसमें मेन सस्पेक्ट तो बामोर में वो हत्याकांड हुआ उसमें भी इन्वॉल्व था, उस समय वो माइनर था। अभी हम बाकी आरोपियों का बैकग्राउंड ढूंढ रहे हैं। आखिर ग्वालियर में गुंडे बदमाशों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब साइबर फ्रॉड का ये खुलासा जरूर देखिए, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का ठग गैंग कैसे पैंतरा आजमा रही है। 2000 के नोट को खपाने की क्या ये है कोई नई चाल? और कहीं आप भी तो ऐसे ठग गैंग के निशाने पर नहीं आ गए जो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कभी देते हैं रुपयों का लालच, कभी सरकारी योजनाओं में फायदे वाली स्कीम की कहानी बताते हैं और फिर बन जाते हैं किसी और के बैंक अकाउंट के मालिक। ये फ्री की रकम कहीं आपको जुर्म के दलदल में धकेल न दे। देखिए जरा और सावधान रहिए। ₹2000 के नोट जो बंद हो रहे हैं उसको ब्लैक को व्हाइट करने के काम में भी इस्तेमाल करने के लिए भी इन खातों का उपयोग किया जा सकता है। जालसाजी की नई कहानी। ₹2000 के नोट खपाने की नई चाल। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का खेल। अकाउंट आपका मालिक बन जाएंगे ठग। राजस्थान टू बैतूल, साइबर फ्रॉड का जाल। गैंग का अगला शिकार आप तो नहीं, साइबर फ्रॉड की दुनिया में ये वो गैंग है जो किराए के बैंक अकाउंट खरीद रहा है, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का खेल खेल रहा है। ये गैंग इतना शातिर है, भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता है। 2000 के नोट चलन से बंद होने से पहले क्या उसे खपाने की साजिश रची जा रही है? सुनिए जरा राजस्थान महाराष्ट्र की ठग गैंग की कहानी पुलिस की जुबानी। एक मुखबिर सूचना मिली कि कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे राज्य से आया हुआ है और यहाँ पर लोगों से कह रहा है कि आप अपना अकाउंट खुलवाइए तो हम आपको ₹1000 देंगे और ₹4000 आपके खाते में जमा करेंगे। इस तरीके की कोई बात कर रहा है और एक फरियादी हमारे पास आया, तो जब फरियादी से हमने विस्तृत बातचीत करी तो हमें पता चला कि कुछ महाराष्ट्र, कुछ राजस्थान में इस तरीके की गैंग सक्रिय हैं जो यहाँ पर अपने जो टीम के मेंबर हैं उनको भेज रही हैं फ्रॉड करने के लिए और फर्जी खाते खुलवा के भोले भाले जो आदिवासी क्षेत्र की जनता है या जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके खाते खुलवा के उनका इस्तेमाल गलत काम के लिए करने की प्लानिंग बना रहे हैं। 2000 के नोट चलन से बाहर होने वाले हैं, इन्हें खपाने के लिए साइबर ठग कैसे कैसे हथकंडे आजमा रहे हैं ये खुलासा हुआ है बैतूल में पकड़ी गई गैंग से। दरअसल बैतूल के गंज थाना इलाके में फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें कहा गया था कि उसके बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ₹1000 ले लिए गए, जिसे लालच दिया गया था कि खाते में ₹4000 आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये वो गैंग है जो खाता खुलवाता है और फिर ATM, पासबुक सब अपने पास रख लेता है। इस केस की तफ्तीश में जालसाजी की इस नई कहानी का खुलासा हुआ। आरोपी रियाज खान राजस्थान का रहने वाला है जिसने लोकल के राजा चौकीकर की मदद से लोगों को जाल में फंसाया। पर अभी इसमें हमें एक रियाज खान और स्थानीय एक लड़का है जो राजा चौकीकर, दो लड़के मिले। राजा चौकीकर चूंकि स्थानीय है उसकी मदद से, जो रियाज खान है ये राजस्थान से आया हुआ था और यहाँ पर रह रहा था, उसकी मदद से और यहाँ पर कुछ भोले भाले लोगों को बरगला के उनके खाते खुलवा रहा। ये गैंग महिलाओं के खाते खुलवा रहा था तब इस गैंग को पुलिस ने पकड़ा। महिलाओं को क्या लालच दिया गया था ये भी सुनिए। ये कहा गया कि सरकारी योजना से बैंक में ₹5000 मिलेंगे
और महिलाएं इन ठगों की बातों में आ गईं। कि ये जो साइबर फ्रॉड करने वाले होते हैं, ये खाते को खरीदते हैं, इनोसेंट पीपल्स जो खाते खुलवा लेते हैं अपने कुछ पैसों के लालच में। तो इसमें अभी ये भी एक पॉइंट सामने आया है कि ये 2000 रुपये के नोट जो बंद हो रहे हैं, उसको ब्लैक को वाइट करने के काम में भी इस्तेमाल करने के लिए भी इन खातों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये बातचीत में प्रथम दृष्टया सामने आया है और पुलिस अभी इसमें विवेचना कर रही है। आरोपी ने ये बैंक खाते राजस्थान के राहुल खान को दे दिए, एटीएम, पासबुक, सब कुछ। अक्सर ऐसी गैंग इन किराए के बैंक अकाउंट को ठगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी ऐसी गैंग से जरा होशियार रहिए, ये लालच देंगे, चाल चलेंगे और फिर आपके बैंक अकाउंट के मालिक बन उनका जुर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब एक और खबरदार करती हुई खबर। जब एक कॉलोनी में ऐसा ठग पहुंचा जिसने चमक वाली चाल चली और शिकार को अपने इशारों पर नचाता गया, जिसने बंद डिब्बे में केमिकल डाला, फरियादी के सोने के जेवर डाले और जब डिब्बा खुला तो जेवर गायब थे। ठग भी रफू चक्कर हो गए थे। कैसे होती है ये ठगी, देख लीजिए आप, सावधान हो जाए। पहले आप फरियादियों को सुनिए। एक पहले आया जो सेल्स बॉय बन के एक आया, उसके बाद उन्होंने सिर्फ कहा कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं एक पाउडर का, जिससे कि तांबा पीतल के बर्तन को हम साफ हो सके। तो वो उन्होंने हमको बताया कि हम आपको डेमो दिखाएंगे, आप अपना बर्तन दे दीजिए। तो मेरी सासू माँ ने एक तांबा का लोटा दिया, तो तांबा का लोटा को उसको मांझ के दिखाए कि मतलब अच्छा चमक गया और उसके एक मतलब फिटकरी जैसा एक केमिकल था जिसको उन्होंने लोटे के अंदर में डाला और हिलाया उसको, तो उस केमिकल से लोटा पूरा साफ हो गया। तो ऐसे ही सेल्समैन बनकर आए ठग, पाउडर बेचने का खेल, चमक वाली चाल और इस चाल में पहले से शिकार का भरोसा हासिल करते हैं। दुर्ग में दिन दहाड़े ठगी की वारदात हुई। आरोपी ने बर्तन चमकाने के बहाने एंट्री की, उसके बाद फरियादी से कहा वो चांदी की पायल भी चमका देते हैं। ये पाउडर कमाल है। परिवार वाले ठग की बातों में आ गए और बेटी की चांदी की पायल भी दे दी। तो हम लोग भी बहुत इम्प्रेस हो गए थे कि बहुत अच्छी चीज है ये। तो उसके बाद में वो बोलते हैं कि आपके पास कोई चांदी का ये होगा, पायल वगैरह होगा, तो हम इससे आपको धो के दिखाएंगे। तो हम लोग इससे चांदी भी साफ हो जाता है। तो मैंने अपनी बच्ची का छोटा वाला पायल उसको दिया। ऐसे ही धीरे धीरे कर विश्वास हासिल किया, लेकिन अब असली बिसात बिछाना बाकी था, जिसमें सोने के जेवर चमकाने के बहाने एक डिब्बा मंगाया, उसमें केमिकल डाला और जेवर भी। लेकिन सख्त हिदायत दी, चूल्हे पर इस डिब्बे को चढ़ाए पर खोलना नहीं। कि आप उसको क्या बोलते हैं, टिफिन के डब्बे में पैक करके आप गर्म करोगे तो ज़्यादा साफ होता है, और उसको आप अंदर हाथ नहीं डालिएगा क्योंकि वो केमिकल है, और उसके बाद में केमिकल है और उसको हिलाइएगा मत। ठग जो जो कहता गया वो शिकार परिवार करता गया। क्या ठगी में सम्मोहन का भी कोई खेल था? जब डिब्बा खुला तो परिवार वालों के होश उड़ गए, जेवर गायब थे। वही मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन हम लोग मतलब उन्हीं के बात में मतलब एकदम ऐसा उन्हीं के बात को सुने जा रहे थे। हम लोग खुद समझ में आया था हम लोग क्या कर रहे हैं। पुलिस वाले अब इस गैंग की तलाश कर रहे हैं। जैसे उसने खोला तो देखी उसमें कुछ नहीं था, तत्काल बाहर आई तब तक वो लोग जो है ठगी करके वहाँ से जा चुके थे। इस मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा 420-34 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है थाना मोहन नगर में, और अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही है। ऐसी गैंग से जरा सावधान, ये चमक लगा देगी चूना। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कहीं चूना लगाने के लिए चमक का खेल आपके साथ भी न खेला जाए, इस बात से सावधान रहिए। और मुझे दीजिए आज इजाजत। नमस्कार।